पाए थे लेकिन आज पहुंचे हैं, वो जरा हाथ उठाए। बाकी सभी इनके लिए जोर से तालियां बजाकर स्वागत करिए। वेलकम वेलकम। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज जर्नी, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या समझा, सो दैट यू विल ऑल्सो बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी एज व्हाट वी आर टुडे। सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस एंड पीस का जो एंशियंट टेक्नोलॉजी है वो है राजयोग। राज मतलब रहस्य, सीक्रेट। योग मीन्स संबंध जोड़ना। तो पांच एरियाज में हम लोगों ने कल उस सिलेबस को डिस्कस किया था कि विच आर द फाइव डोमेन्स दैट वी विल बी इंट्रोस्पेक्टिंग एंड इंट्रैक्टिंग। पहला था हेल्थ, और हेल्थ में हमने ये बताया था कि आजकल देर कुड बी मल्टीपल रीजंस बट कैंसर क्यों होता है, और खास कर आज हम इस बात को समझेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर क्यों होता है। हेल्थ मतलब सिर्फ थोड़ा एक्सरसाइज करना या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये समझना सिर्फ हेल्थ नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हेल्थ, इसको हम समझेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में था, दैट इज मन का प्रबंधन कैसे करें। और आज खास कर हम ये देखेंगे जब हमारे बच्चे और बड़े भी जब डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, तो कभी भी हमें बच्चों से ये नहीं बोलना चाहिए कि डोंट यूज ऑल दीज गैजेट्स, क्योंकि यहाँ पर भी हम सब कुछ यूज कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा तो जीवन में सचमुच बहुत केओस हो जाएगा। तो ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लेकिन मन को हमें कैसे शक्तिशाली बनाना है, ये सेकेंड थिंग है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें किसी के संस्कारों को परिवर्तन करना है तो सुबह से शाम तक हम सब कुछ बोल रहे हैं। इनफैक्ट आज हम ये भी समझेंगे कि आज जो मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि कुछ नई बात है, हम सबको पता है। आज YouTube में, Google में इतने इंस्पिरेशनल वीडियोस आते हैं, हर दिन सुबह सुबह हमें WhatsApp में इतने अच्छे मैसेज मिलते हैं, बट फिर भी हमारा संस्कार क्यों नहीं चेंज हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा क्वांटम डायनेमिक्स से में समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन में क्या होता है जिसके कारण हमारा संस्कार चेंज होता है। दैट्स द सेकंड रहस्य। तीसरा हम देखेंगे कि आपसी संबंधों में समरसता कैसे हो। चौथा था क्रोध प्रबंधन, एंड द फिफ्थ वन वाज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आज हम इस पावर ऑफ कंसंट्रेशन का छोटा सा हम डेमो भी देखेंगे, राइट। सो व्हेन वी कम डाउन टू हेल्थ, दैट्स द फर्स्ट टॉपिक। तो कल मैं बता रहा था जान है तो जहाज है, जहाज मतलब हमारा कितने करोड़ की ये जहाज है। वाओ, सो पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड टुडे, दिस फिजिकल बॉडी इज वेरी वेरी प्रेशियस। डॉक्टर्स ने इसकी कॉस्टिंग की गई, कल हम देख रहे थे, इट वर्क्स आउट टू बी मोर देन 220 crores। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आज जो मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगा, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च, दैट रिसर्च वॉज डन बाई डॉक्टर कलाम व्हेन ही वाज विद DRDO। और मैंने कल बात बताया था आपको कि हम डॉक्टर कलाम के प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक द सेटअप इज मोर लेस रेडी, थैंक्स फॉर दिस ब्रदर्स हु कुड मैनेज इट सो ब्यूटीफुली। तो आज हम डॉक्टर कलाम के रिसर्च से स्टार्ट करेंगे और हेल्थ के डायमेंशंस को समझेंगे। मुझे याद आता 15th August 2011 डॉक्टर कलाम नवी मुंबई में आए थे, एंड ही वॉज देयर टू इनॉग्रेट द प्लैटिनम जुबली एनिवर्सरी ऑफ अ यूनिवर्सिटी। हम लोग करीब 400 टीचर्स डॉक्टर कलाम के सामने बैठे थे। तो डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 टीचर्स के सामने उन्होंने ये बात रखी, एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज मदर, नंबर टू बच्चे नहीं बोले, बड़ों को बोलने दे, ये छोटी बच्ची बोल रही है, बड़ों को बोलने दीजिए। बच्ची बहुत अच्छा जवाब दे रही है, रियली अप्रिशिएट योर आंसर। हाँ, बड़े जरा जवाब दें, फिर बच्चों से वेरीफाई करेंगे। हाँ, एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 टीचर्स के सामने उन्होंने बात रखी। नंबर वन इज मदर। माई डियर गर्ल, जस्ट वेट, लेट अस सी व्हाट इज द आंसर फॉर द एल्डर एंड देन वी कम टू यू बैक, राइट। नंबर वन इज मदर, नंबर टू टीचर। Number one is mother. Number two? Number one is mother. Number two? बच्ची खड़े हो जाओ। हाँ, क्या जवाब बोलती है, इधर आ जाओ, दौड़ के।